नमस्कार, मैं हूं रविंदर स्लाथिया। एक बार फिर कठुआ हलचल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कठुआ के हलचल के स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान, जो कि ना कि सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नाम पर उनको पहचाना गया, वो आज मेरे साथ हैं। और जाने माने अभी कलर्स टीवी पे जो शो हुआ राइजिंग स्टार, जिसमें इन्होंने अपनी वाहवाही खूब लूटी, मैं तारुफ करवाऊंगा विक्रमजीत सिंह जी का। ये विक्रमजीत सिंह जी जो बरनोटी गांव, हमारा जो पास में ही बरनोटी गांव है, वहीं पे जन्मे, वहीं पे पले और आज ये बुलंदियों को छू रहे हैं। सत श्री अकाल विक्रमजीत सिंह जी। अभी अभी आपके बहुत चैनलों पे भी आपकी धूम चल रही है। आपने राइजिंग स्टार जो एक शो कलर्स का चल रहा था और उसमें आपने बहुत सुंदर गाया, आप बताना चाहेंगे कि आप उस शो तक कैसे पहुंचे? सर, सबसे पहले मैंने उसके लिए ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, तो ऑनलाइन ऑडिशन में शॉर्टलिस्टेड होने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोला कि जम्मू आइए, एक ऑडिशन है वहाँ पे, वो क्लियर करिए सेकंड राउंड। तो मैं जम्मू गया और जम्मू में मैंने सेकंड राउंड कंडक्ट किया और क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ बुलाया था, चंडीगढ़ में मेरा थर्ड राउंड था, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं मुंबई गया था 90th को। तो मुंबई में आप, कठुआ बरनोटी एक बहुत छोटा सा गांव है, आप वहां पर जन्म लिया, वहीं पे पले, आपको गाने का शौक कैसे हुआ? सर, एक्चुअली गाने का शौक तो मेरे को बचपन से था, बट उस समय मेरे अंदर बहुत शाइनेस थी, तो इतना खुल के मैं गा नहीं पाया। जब बाद में मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया 18 साल की उम्र में, तो 3-4 साल बाद फ़ौज में सर्विस करने के बाद मेरे दोस्तों ने नोटिस किया कि मैं अच्छा गाता हूँ। उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि आप गाया करो, फंक्शन वगैरह में गाया करो, दोस्तों के बीच में गाया करो, ग्रुपों में गाया करो। तो वो मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने मेरे अंदर एक हल्का सा शौक पैदा कर दिया, और वो शौक फिर 25-26 साल की उम्र में आते आते एक जुनून जैसा बन गया, और वही जुनून अब मेरे को इस मंच पे ले आया। मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि जो आपके ITBP के DIG साहब हैं अखिलेश सिंह रावत साहब, उनका बहुत हाथ है। जी सर, बिल्कुल, हमारे DIG साहब जो शिमला सेक्टर के DIG साहब हैं, श्री अखिलेश सिंह रावत जी, तो एक्चुअली मैं बॉर्डर ड्यूटी पे था, बॉर्डर में ड्यूटी थी मेरी हिमाचल बॉर्डर पे, तो वहाँ पे वो एक बार हमारा एक निरीक्षण करने के लिए गए थे, इंस्पेक्शन बोलते हैं हम उसे अपनी फौजी भाषा में। तो वहाँ पे जब कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, मतलब मनोरंजन के लिए थे, उन्होंने सबने अपना अपना प्रोग्राम पेश किया उनके आगे, तो मैंने गाना गाया, तो उनको मेरा गाना बड़ा पसंद आया, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरे को। और बाद में 3-4 महीने बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है सिंगिंग लाइन में, तो आप शिमला सेक्टर आ जाइए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए अपने गाने की। तो मैं शिमला सेक्टर आ गया, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की, और वहाँ पहुँचते ही मतलब राइजिंग स्टार के ऑडिशन हो रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दे दिया और फिर यहाँ पहुँच के। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जिस जगह से उठकर बॉम्बे की इतनी चकाचौंध लाइटों में गए, और वहाँ आपने बहुत से जो नामी गिनामी, जहाँ मैंने देखा शंकर महादेवन साहब वहाँ बैठे थे, मोनाली ठाकुर बैठी थी, सरदार दलजी से दोसांझा वो भी बैठे हुए थे, उनके आगे गाना, आपको कैसा लगा? उस समय कैसा महसूस हो रहा था जब आप ये चीज़ गा रहे थे? एक्चुअली जब मैं गया एक हफ्ता पहले, उन्होंने हमको बुलाया हुआ था वहाँ पे, तो पहले 4-5 दिन तो मैं हल्का सा नर्वसनेस फील कर रहा था, वो इस वजह से क्योंकि मैं एक अनप्रोफेशनल था वहाँ पे, अगर एक सही मायने में देखा जाए। मेरा प्रोफेशन अलग था, मैं फौज में था, वहाँ पे जिस माहौल में मैं गया था वहाँ पे सब के सब लोग प्रोफेशनल थे, 10-10 साल से कोई म्यूज़िक सीख रहा, कोई कुछ कर, मतलब था, इसलिए मैं उनके मुकाबले अपने आप को थोड़ा कम तरह आंक रहा था। बट जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गए और जो फाइनल डे था जिस दिन हमारी मतलब परफॉर्मेंस होनी थी, उस दिन मेरे अंदर नेचुरली भगवान ने मतलब एक भगवान की कृपा और जो दुआएं थी अपनों की, उन्होंने एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया कि आप सब कुछ भूल जाओ, जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल के जब मेरी परफॉर्मेंस होने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसंट्रेट था गाने के ऊपर, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गाना गाया गया उसके लिए मैं। जी, आपके परिवार में आपके पिताजी जो सूबेदार रिटायर्ड हैं मेरे ख्याल में SSB से, माता जी हाउस वाइफ हैं, आप 4 ब्रदर्स हैं और एक शायद गुजर गए हैं, और एक आपकी सिस्टर है, मध्यम वर्ग है, मगर मध्य वर्ग से उठकर इतनी ऊंचाइयों पे आपने छुआ, अब उनके घर, आपके घर में आपको आपके पिताजी माताजी कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप वापस आए? तो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं काफ़ी सालों बाद, क्योंकि 6 साल पहले मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे, वो भी फौज में थे,
तो मतलब काफ़ी सालों बाद मैं उनको खुश देख रहा हूँ, कुछ एक खुशी की लहर है घर में। वेरी गुड। तो आपने जो ये मंच आपको मिला जो राइजिंग स्टार कलर चैनल्स की तरफ से, ये आपके लिए अब मील का पत्थर साबित होगा? आप नौकरी कंटिन्यू करेंगे या आप प्रोफेशन में, इस सिंगिंग प्रोफेशन में जाएंगे? नहीं सर, मैं, मेरा बचपन से शौक है कि मैं एक अच्छा सोल्जर बनूँ, ये बचपन से मेरी ख्वाहिश थी। और प्लेबैक सिंगिंग की ख्वाहिश मेरी 25-26 साल की उम्र के बाद आई है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ। अगर मैं भगवान की कृपा से और ज़्यादा आगे जाता हूँ शो में, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो फ़ौज की रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ौज के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कोर्सेज करना, कुछ करना, मतलब प्रमोशन के लिए, वो करूँगा और एक अच्छा सोल्जर और एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। हमने देखा है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स पे या कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स पे, पर पहली बार ऐसा देखा कि आप यूनिफॉर्म डालकर गाना गाया, और ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एज ए प्रोफेशनल सिंगर की तरफ से और यूनिफॉर्म में ये गाना गाया। तब आपको वहाँ पर क्या उसका वेलकम हुआ जब आपने यूनिफॉर्म में ये गाया? सर, ये वर्दी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे पहनने के बाद हर सोल्जर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। ये वर्दी हमें हर मुश्किल काम करने में आसानी देती है, क्योंकि ये एक अलग कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए ये वर्दी मैंने उस समय इसलिए भी पहनी थी, फर्स्टली कि मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, और सेकंडली कि जो मेरे फौजी भाई थे जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया था, जिस फौज का मैं दिया हुआ खा रहा हूँ, उन लोगों को जो मैं चीज़ डेडिकेट करना चाहता था। मैं विक्रमजीत सिंह जी, ये हमारा कठुआ हलचल है। आप बड़े बड़े, आप बॉम्बे से होके आए हैं नेचुरली, वहाँ पे बहुत से कैमरे फेस किए होंगे, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे। क्या आपने कठुआ हलचल के बारे में सुना है कि कठुआ हलचल एक कोई यहाँ पर अपने चैनल देता है और प्रस्तुति देता है यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल सुना है, हमारे घर में चल रहा है। अच्छा, अब आप जिस मुकाम पे पहुँच गए हैं विक्रमजीत सिंह जी, अब मुझे बताइए कि ये मुकाम तो अब आपने काफ़ी हासिल कर लिया, अभी आपके आगे बहुत सी चुनौतियाँ हैं सर। तो अब क्या आप जो चुनौतियाँ अब आगे आएंगी गाने में, आप उनको, उनकी तैयारी, उनकी रिहर्सल पूरी हो रही है? और अगर हो रही है तो उसके बाद आपका जो ITBP का जो आपका देशभक्ति का है, वो भी एक चुनौती है आपके सामने। आपका प्रोफेशन है एक तरफ, तो क्या उस प्रोफेशन को और उसको आप बैलेंस बनाए रखेंगे उस चीज़ में? बिल्कुल सर, ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, अपनों की दुआ की वजह से हो रहा है। ऊपर वाले की मर्ज़ी थी ये, उसी ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अपनी प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा। और ये चीज़ें दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं, दोनों चीज़ें मुश्किल हैं, फौज में सर्विस करना, ड्यूटी करना, और एक इतने बड़े मंच पर आना एक एज ए कॉमन मैन होके। तो ये दोनों चीज़ें मुश्किल बेशक हैं, लेकिन इनको करने के बाद आप खुद पर फ़ख्र ज़रूर महसूस करेंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि एक तो हमारी तरफ से हमारी पूरी कठुआ हलचल की शुभकामनाएँ आपके साथ रहेंगी, और लोगों ने आपको खूब वोट्स भी दिए हैं, कठुआ से भी काफ़ी वोट्स पड़े हैं। अब मैं चाहूँगा कि कठुआ के आवाम और कठुआ के श्रोताओं के लिए आप चार लाइनें गुनगुना दें तो मज़ा आएगा। कैसे भागे रे पागल मनवा, ब्यूटीफुल। ताबड़ ताड़ नाच लूं नाच लूं नाच लूं नाच लूं रे। तो ये थे विक्रमजीत सिंह जी, जिनसे मैंने आपका तारुफ करवाया, जिन्होंने चार लाइनें भी गुनगुना के दी, और ये हमारे, मैं इनको शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।